नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइफ। आइए देखते हैं क्या है न्यूज फॉर लाइफ पर इस वक्त की बड़ी खबर। सिवान के हसनपुरा प्रखंड के हरपुर कोटवा में शुक्रवार को सरस्वती माता विद्यादाता के जय घोष के साथ मां शारदे के प्रतिमा को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हरपुर कोटवा, धूमनगर, बेचनगिरी के मठिया समेत आसपास के गांव के युवाओं, बुजुर्ग एवं छात्रों अपने अपने पूजा पंडालों में प्रतिस्थापित वीणा वादिनी की प्रतिमा को हाथी, घोड़े, केसरिया और तिरंगे ध्वज के साथ सरस्वती माता विद्यादाता के जय घोष और रंग गुलाल के साथ पूरे नगर क्षेत्र में भ्रमण के उपरांत हरपुर कोटवा स्थित जलाशय के पास स्थित मैदान में पहुंचे, जहां विसर्जन जुलूस मेले में परिवर्तन हो गया। मेले में बच्चों को झूला खेलने वाले मिनी टावर के साथ साथ फैंसी मेला भी लगा हुआ था। पूरे मेला परिषद और विसर्जन स्थल पर एसआई मुना यादव के नेतृत्व में स्थानीय चौकीदार समेत बीएमपी के महिला एवं पुरुष जवान मुस्तैद थे। मौके पर स्थानीय मुखिया संजय कुमार यादव, सरपंच विनोद सिंह, भाजपा जिला महामंत्री शैलेंद्र सिंह, जदयू राज्य परिषद के सदस्य उमेश ठाकुर, सांसद प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, पप्पू सिंह, राजीव सिंह, अजय कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह, अनुज, अंकेश समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।